आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। फिजिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाया था कि राजस्थान एसआई के इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप सभी स्टूडेंट्स उस पर जाके आराम से देख सकते हैं। तो आज जो मेरा वीडियो है वो इस चीज को लेकर है कि हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहां से करें, कौन से कोचिंग से करें, कहां से करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि मैं जो प्रिफरेंस कर रहा हूं, मैं इन कोचिंग को प्रिफरेंस कर रहा हूं, है ना, लेकिन मैं किसी कोचिंग को गलत भी नहीं बता रहा, ठीक है। मेरा प्रेफरेंस इन कोचिंग्स को है, और इसके अलावा आप चाहे तो किसी और कोचिंग में जाकर भी कोचिंग कर सकते हैं, अपनी इंटरव्यू क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन मेरा जो प्रेफरेंस है वो मैं, मेरे अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स मेरे को फॉलो कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स से मेरा ये कहना है कि जिस तरह से मैंने तीन कोचिंग्स हैं जिनको प्रेफरेंस में रखा है, उनमें आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो फर्स्ट तो हम टाइम खराब नहीं करेंगे और मैं पॉइंट टू पॉइंट आप सभी स्टूडेंट्स को लेकर आता हूं इस चीज पे। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स जानते भी है इस चीज को कि सबसे बड़ी जो एकेडमी है वो है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी, जिसके अंदर मेनली प्रिपरेशन कराई जाती है आरएएस एंड आईएएस लेवल की, आईएएस लेवल की। एसआई के बैचेस ओनली तभी कराए जाते हैं, है ना, जब एसआई की वैकेंसी पूरी क्लियर हो जाती है कि एसआई की वैकेंसी होनी है, इस तरह से पूरा नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके बाद में ऐसे के बैच स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ होते ये बात आपकी कि इसमें अभी ऐसे के बैच अभी स्टार्ट नहीं है। मैं आज जाके पता करके आया था, मैं खुद गया था स्प्रिंग बोर्ड के अंदर और जाके पता करके आया था, और जहां पर इंटरव्यू के बैचेज है वो भी अभी स्टार्ट नहीं है, स्प्रिंग बोर्ड के अंदर अभी नहीं चल रहे। इंटरव्यू के बैचेज स्टार्ट हो सकते हैं, मैं बात करके आया था सर से, तो जो उनके डायरेक्टर सर है वो बाहर गए हुए अभी आउट ऑफ स्टेशन है, तो फ्राइडे को इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगा, क्योंकि बैच स्टार्ट हो रहा है स्प्रिंग बोर्ड के अंदर, और क्या टाइमिंग रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, क्या फीस वगैरह, क्या सिस्टम रहेगा, सारी चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि स्प्रिंग बोर्ड अपने बिजनेस तभी स्टार्ट करेगा जब प्रॉपर इनके पास स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ हो जाएगी। वैसे तो स्प्रिंग बोर्ड बहुत बड़ी एकेडमी है, स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्टूडेंट अगर स्प्रिंग बोर्ड से अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा कमेंट्स कीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे एक बहुत अच्छा सा बैच निकल के बाहर आए और उसी को मैं पूरा बात सर से बात करूं प्रॉपरली और आपका बैच स्टार्ट हो सके। सेकंड बात, तो सेकंड हम लेंगे रिधिमा क्लासेस, ये जस्ट स्प्रिंग बोर्ड के पास में ही है और इनका भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। ये सर मेनली जो रिधिमा क्लासेस सर है वो हिंदी से बिलोंग, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आरएएस है, ऐसा ही है, सभी के लिए इनके बैच चलते हैं, तो ये मेनली हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। बाकी मैंने पर्सनली यहां पर जाके देखा तो एक मेरे बहुत ही जिनाइन पर्सन लगे इनका, मैं जब मिला तो इनका ये कहना था सिर्फ और सिर्फ मुझे स्टूडेंट सिलेक्शन चाहिए, सभी स्टूडेंट सभी टीचर्स ये कहते हैं, लेकिन रियली मैंने फील किया इस चीज को लेके, अच्छा स्टार्टअप है लेकिन काम अच्छा चल हो रहा है, तो पढ़ाई के अकॉर्डिंग मुझे सही लगा। तो इनके बैचेस ऑलरेडी 28 से स्टार्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और इनके नॉलेज के अकॉर्डिंग और गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप आराम से इनके साथ भी आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो। और लास्ट एंड फाइनल रिम क्लासेस, तो रिम क्लासेस भी जो भी स्टूडेंट फिजिकल प्रिपरेशन कर रही है और फिजिकली मेनली फेमस है, और इसके अलावा कॉन्स्टेबल वगैरह ऐसे सभी के बैचेस है, सभी के बैचेस वगैरह चलते हैं तो काफी टाइम से 6-7 साल से है मार्केट के अंदर, तो ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही है इसके अंदर, अभी सर ने काफी क्लासेस ली थी, तो आप ऑनलाइन क्लासेस अगर लेके चाहो, लेना चाहो कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते और इंटरव्यू क्लासेस ऑनलाइन लेना चाहते हो तो लिंक क्लासेस में आप संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास भी आप परचेज कर सकते हैं। मेनली फोकस रहता है मॉक टेस्ट के ऊपर, तो आप सभी स्टूडेंट जैसे मैंने बताया, इसके अलावा भी आप किसी और कोचिंग से जाके करना चाहो प्रैक्टिस तो आप कर सकते हो, लेकिन मेनली मैंने ये तीन कोचिंग से जिनको प्रेफरेंस में रखा है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इनके थ्रू अगर प्रिपरेशन करेंगे तो मेरा ये मानना है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होगी, इंटरव्यू की बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन होगी और आप बहुत ही अच्छे नंबरों से अपना इंटरव्यू को क्लियर कर पाओगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे तरफ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी स्टूडेंट अच्छी लगी है तो प्लीज जितना उसके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स का फिजिकल गुरुजी के चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।